ना बूढ़ा हुआ हूँ ना रिटायर हुआ और अब तो मैं छुटका कांड हो गया। पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न केस में आरोप तय होने के बाद ब्रजभूषण की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। पहले बीजेपी ने उनका टिकट काटा, उसके बाद कोर्ट से उनको झटका लगा, लेकिन इस बीच ब्रजभूषण ने एक ऐसा बयान दिया है जो अब जमकर वायरल हो रहा है। सांसद ब्रजभूषण चरण सिंह ने भरे मन से खुद को छुट्टा सांड बता डाला है। सांसद ब्रजभूषण चरण सिंह ने अपने बेटे और कैसरगंज संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए ब्रजभूषण ने कहा कि वचन देता हूँ, ना तो बूढ़ा हुआ हूँ न रिटायर हुआ हूँ, पहले जितना आपके बीच में रहता था उससे दोगुना आपके बीच में रहूंगा। ब्रजभूषण ने आगे कहा कि अब तो आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूँ। वचन देता हूँ, ना बूढ़ा हुआ हूँ न रिटायर हुआ हूँ, ना बूढ़ा हुआ हूँ न रिटायर हुआ हूँ, पहले जितना आपके बीच में रहता था उससे दोगुना आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख दुख के साथ रहूंगा और दोनों ताकत के साथ काम करूंगा, दोनों ताकत के साथ काम करूंगा। मैंने एक नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा साक्षा देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल। अभी बहुत कुछ करने को बाकी है, बहुत कुछ करना है। मुझे पता है कहां सड़क की जरूरत है, मुझे पता है कहां पुल की जरूरत है, मुझे पता है कहां रेल के ऊपर ओवरब्रिज की जरूरत है, मुझे पता है कि करनैलगंज में घंटा घंटा जाम लगता है, मुझे पता है क्षेत्र की सारी समस्याएं हमें पता है और अब तो मैं छुटका कांड हो गया, अब तो आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूं। क्या करिए हमारे लड़े जीती है ना, और हमसे ज्यादा मन उद्योग लगे नहीं है, तो जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और सारी समस्याओं को हम देख रहे हैं, किन किन बेचारे गरीबों को अभी घर नहीं मिला है हम देख रहे हैं, किस किस पुरवा पर बिजली नहीं लगी वो भी हम देख रहे हैं, हम सारी दिक्कत देख रहे हैं, तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। आपको डबल सांसद मिलेगा, डबल। बता दें कि ब्रजभूषण चरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज सीट से उनका टिकट काटकर बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा। उनका मुकाबला सपा के राम भगत मिश्रा और बसपा के नरेंद्र पांडे से है जो चुनावी मैदान में उतरे। इस सीट पर ब्रजभूषण चरण सिंह का दबदबा माना जाता है, वो यहाँ से दो बार बीजेपी और एक बार सपा के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।